हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ट्वेल्थ क्लास। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बेंडिंग ग्राफ जनरेटर। तो आज मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ, बेंडिंग ग्राफ जनरेटर। पांच नंबर में यानी कि ये क्वेश्चन लगभग यानी कि पूछा जाता है बेंडिंग ग्राफ जनरेटर, काफी इंपॉर्टेंट यानी कि डेरिवेटिव्स जो है, एक बार से इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह वर्किंग वगैरह इसकी रहती है। तो चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। बेंडिंग ग्राफ ग्राफ जनरेटर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। वेंडी ग्राफ जनरेटर को यानी जो डिस्कवर किया है वो 1929 में साइंटिस्ट वेंडी ग्राफ ने ही यानी इसको किया है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम वेंडी ग्राफ जनरेटर है। इट इज डिवाइस बाय विच वी कैन एक्सेलरेट द पार्टिकल। कौन से पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं? वी कैन एक्सेलरेट द पार्टिकल जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द हाई पोटेंशियल। वी कैन प्रोड्यूस 3×10⁶ वोल्ट हाई वोल्टेज बाय दिस डिवाइस। कहीं कहीं पे लिखा हुआ है 5 मेगावोल्ट, तो 5 मेगावोल्ट भी आप मान सकते हैं। बाद में यानी कि और पावरफुल यानी कि डिवाइस तैयार किए गए हैं, और इससे भी पावरफुल डिवाइस बाद में साइक्लोट्रॉन को किया गया। तो साइक्लोट्रॉन इससे भी पावरफुल है, जो काफ़ी एनर्जी देता है और ये भी एनर्जी देता है। डेट मीन से एक्सेलेरेशन कर रहा है, तो एक्सेलेरेशन कर रहा है तो डेट मीन से यानी कि इट प्रोवाइड द हाई एनर्जी। तो लो एनर्जी पार्टिकल को हाई एनर्जी पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ हाई पोटेंशियल। तो चलिए आइए बात करते हैं। ये सब यहाँ पर हो गया है, मैंने बता दिया इसका इंट्रोडक्शन। प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल में क्या है? दो बातें। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग होना ड्यू टू द शार्प पॉइंट। जो शार्प पॉइंट होते हैं, जैसे कॉम है तो कॉम में जो शार्प पॉइंट होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग होता है। दूसरा जो यानी जिस पर ये बेस करता है वो है यहाँ पे होलो स्फीयर। होलो स्फीयर में चार्ज का स्प्रेड आउट होना यानी चार्ज का फैलना, और जो चार्ज जो है फैल जाता है एट द सरफेस यानी कि सरफेस पर, होलो स्फीयर के सरफेस पर। अब हम वर्किंग की बात करेंगे, यानी कि मैन डीसी सोर्स यानी डीसी सोर्स के द्वारा पॉजिटिव यानी कि कनेक्शन दिया जा रहा है, और इसको पॉजिटिव पे रख करके फिर कनेक्ट कर रहे हैं हम इसको सीवर से। सीवर स्प्रे पंप है जिस पर यानी पॉजिटिव यानी चार्ज का स्प्रे किया जा रहा है, और जब ये स्प्रे यानी कि इस पर हो रहा है, स्प्रे हो रहा है, स्प्रे की कर रहे हैं हम, किससे स्प्रे कर रहे हैं? सीवर से। और यहाँ पर ये सीवर है, ये दिस इज द सीवर, सीवर पंप है, यहाँ पर स्प्रे हो रहा है, और यहाँ पर ये बेल्ट चल रहा है। ये बेल्ट यानी कि यहाँ पे चार्जलेस बेल्ट है, दूसरी बात एंडलेस है, इसका कोई एंड नहीं है यानी एंडलेस बेल्ट है जो यानी कि ये रन करता है विद द हेल्प ऑफ पुली, जो कि P1 और P2 पुली पर यानी कि उस पर ये कर रहा है, और इसको जो चलाते हैं बाई यानी मोटर से चलाते हैं, इसको मोटर से कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से ये यानी बैटरी जो है वो लगातार मूव करती रहती है, घूमती रहती है। पर डेट मीन्स यहाँ पर जब स्प्रे हो रहा है तो ये यहाँ पर ये इसको कैरी करते हैं, और ये चार्जलेस यानी जो बेल्ट है वो ऊपर ले जाती है। ये बेल्ट जो है रबड़ से या फिर आपका सिल्क से बना हुआ है, ये ऊपर जाता है। यहाँ पर यानी दूसरा पंप लगा हुआ है C2, जो कि इसको कलेक्ट करता है। व्हाट इज दैट फंक्शन ऑफ C2 पंप? इट इज द कलेक्टिव पंप, यानी कलेक्ट करेगा, यहाँ पे कलेक्ट करेगा। शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट पे जो होता है वो पोटेंशियल ज़्यादा रहता है, और यहाँ पर ये इसको ट्रांसफर कर देगा क्योंकि ये इससे कनेक्ट रहता है, और कनेक्ट होने पर यानी कि जो चार्ज है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर। होलो स्फीयर दैट मींस ये होलो स्फीयर है, एस यानी होलो स्फीयर। धीरे धीरे यहाँ पर चार्ज आना शुरू हो जाता है, आता रहता है, चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, फिर ये यानी कि बिना चार्ज के यानी ये चलती है, और यहाँ से फिर ये चार्ज इसको ऊपर मिल जाता है, फिर ये चार्ज कैरी होती है, ट्रांसफर कर जाती है, फिर इस तरीके से लगातार चलता रहता है। चार्ज कंटिन्यूसली लगातार इसको मिलता रहता है, जो कि इंक्रीज करता रहता है आफ्टर सर्टेन लिमिट। एक लिमिट के बाद चार्ज जो है वो क्या होने लगता है? डिस्चार्ज होने लगता है। तो डिस्चार्ज नहीं यानी कि यहाँ पर होता है, उसको बल बचाने के लिए जो प्रोटेक्ट है हम ये क्या करते हैं, हम यानी कि स्टील चैम्बर तैयार करते हैं। स्टील चैम्बर में नाइट्रोजन का यानी कि गैस भर दिया जाता है, फिल्ड कर दिया जाता है, जिससे यानी कि डिस्चार्ज को बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से यानी कि यहाँ पर फिर जो है वो पार्टिकल यानी कि क्या हो जाते हैं, पार्टिकल का जो है लगातार कंटिन्यूस चार्ज यानी कि मिल रहा है, और फिर यहाँ पर साथ में क्या हो रहा है, चार्ज लगातार यानी कि होता है, और उसकी वजह से हमको एनर्जी मिल रहा है। तो दैट मीन्स यानी कि पार्टिकल लगातार एक्सेलरेटेड हो जाते हैं, कंटिन्यूस एक्सेलरेशन होता है, और बेंडिंग ग्राफ जनरेटर से
यानी कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन होता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे पार्टिकल एक्सीलरेटेड उड़ जाते हैं और इनसे हम 5 मेगावोल्ट तक की यानी कि इस जनरेटर से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं और एनर्जी जो होती है वो क्यू के इक्वल होती है। डेट में जितना यानी पोटेंशियल बनता चला जाएगा उतना ही यानी एनर्जी बनता जाएगा, तो पोटेंशियल हाई डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से एनर्जी भी हाई डेवलप हो रहा है। मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करें करें मेरे चैनल की फिजिक्स क्लास को लाइक कर सकते हैं। फिगर यहाँ पर है ही, इसके बारे में मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।